Hello children, welcome back in our English grammar class. It is our chapter 2, nouns, part 2. In our first part, we have learned about noun. What is noun? Noun is the name of place, person, thing and animal. That means all naming words are called noun. We have solved some part of exercise of chapter 2. And the remaining part of this exercise we will see. Question D. Circle the odd word in each set. Odd word, यानी एक अलग word जो है, उसे हमें क्या करना है? Circle करना है. First, bread, flour, sugar and pan. अब इस first में question में ब्रेड फ्लोर शुगर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो खाने की चीज़ें हैं लेकिन पार्क एक अलग वर्ड है ऑड वर्ड है इसलिए हमने क्या किया इसे सर्कल किया है देन सेकंड वन इज सी ऑस्ट्रिच टर्टल डक ऑस्ट्रिच टर्टल डक ये तीनों क्या है एनिमल्स हैं लेकिन सी क्या है वाटर बॉडी है ये डिफरेंट वर्ड है इसलिए हमने इसे क्या किया सर्कल किया है थर्ड वन मदर फादर ब्रदर एंड फ्रेंड अब इसमें मदर फादर ब्रदर ये क्या है हमारे फैमिली मेंबर्स हैं लेकिन फ्रेंड और वन है इसलिए हमने इसे सर्कल कर दिया अब फोर्थ वन है इंदौर पुणे किचन एंड पटना इंदौर पुणे पटना ये क्या है सिटी के नेम है लेकिन किचन एक रूम का नाम है तो इसे हमने ऑड वन होने की वजह से हमने इसे क्या कर दिया सर्कल कर दिया क्वेश्चन ई Read the clues, fill in the blanks with word from the box. Read the clues. यहाँ पर कुछ clues दिए हुए हैं ये clues दिए हुए हैं ये clues read करके हमें क्या करना है Fill in the blank with the word from the box. ये जो box दिया है यहाँ पर कुछ जो answers दिए हैं वो यहाँ पर लिखने हैं clues read करके An animal that gives us milk. अब यहाँ इस box में क्या क्या नाम दिए हुए हैं अंकल Stable, nest, market and cow. तो इनमें से an animal that uses milk. कौन सा animal जो है हमें milk देता है? Cow. तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? Cow. Second one, a place where you go to shop. हम कहाँ जाते हैं shopping करने के लिए? In the market. तो हमने यहाँ लिख दिया market. Your father's brother. Father's brother. इन्हें क्या कहते हैं? Uncle. यहाँ पर लिखा अंकल देन फोर्थ वन इज अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है ऐसी प्लेस क्या कहा जाता है उसे स्टेबल यानी हॉर्स का जो घर रहता है उसे क्या कहते हैं स्टेबल देन फिफ्थ वन इज बर्ड्स ले एग्स इन हिज बर्ड्स कहाँ उनके एग्स देते हैं इन द नेस्ट नेस्ट ओके देन क्वेश्चन एफ अंडरलाइन द नाउन इन ईच सेंटेंस यहाँ क्या करना है हमें हर एक सेंटेंस में जो नाउन है उस नाउन को अंडरलाइन करना है फर्स्ट वन माय मदर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल मदर मदर क्या हुआ नाउन और हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी नाउन है यानी क्या हॉस्पिटल एक नाम ही है तो दोनों को हमने क्या किया अंडरलाइन देन सेकेंड वन अ रैबिट लिव्स इन अ बरो रैबिट और बरो ये दोनों क्या है नाउन है तो दोनों को अंडरलाइन है देन थर्ड वन ग्रैंडमा हैज टू कैट्स ग्रैंडमा के पास कितने कैट है टू तो ग्रैंडमा एंड कैट्स दोनों को अंडरलाइन है देन फोर्थ वन माय सिस्टर लव्स टू ट्रैवल बाय बस सिस्टर सिस्टर भी एक नाउन है और बस बस भी नाउन है तो दोनों को अंडरलाइन है देन कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क कर्ड दही इससे बनता है मिल्क से बनता है तो दही और दूध दोनों क्या हुए नाउन है तो दोनों को अंडरलाइन किया गया है कर्ड एंड मिल्क देन क्वेश्चन जी राइट फाइव सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर अंडरलाइन द नाउन यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है इससे रिलेटेड हमें कोई भी फाइव सेंटेंस तैयार करके लिखने हैं और उसमें जो नाउन है उन्हें अंडरलाइन करना है तो हमने लिखा है फर्स्ट देयर इज अ हाउस इन द पिक्चर देयर इज अ हाउस इन द पिक्चर तो यहाँ
हाउस क्या हुआ? नाउन और पिक्चर, ये भी नाउन है, हाउस और पिक्चर ये दोनों नाउन हो गए इस सेंटेंस में. देन द बीज आर बजिंग, द बीज आर बजिंग, तो बीज क्या है? नाउन है. देन थर्ड वन, द फ्लावर्स आर रेड एंड व्हाइट, फ्लावर्स आर रेड एंड व्हाइट, तो फ्लावर्स जो है नाउन है, तो फ्लावर्स को अंडरलाइन किया. फोर्थ वन इज द गर्ल इज वेयरिंग रेड शूज, द गर्ल इज वेयरिंग रेड शूज, यानी कि गर्ल और शूज दोनों नाउन है, तो दोनों को हमने अंडरलाइन किया. देन फिफ्थ वन इज द रैबिट इज अंडर द ट्री, रैबिट और ट्री दोनों क्या है? नाउन है, इसलिए दोनों के नीचे हमने क्या किया? अंडरलाइन किया है. क्वेश्चन एच, एड वन मोर नाउन टू ईच ग्रुप, वन मोर नाउन, यहाँ पर एक एक ग्रुप दिया हुआ है नाउन का, उसमें एक और नाउन हमें ऐड करना है, जैसे कि ईगल, पैराकिट, स्पैरो, ये सब बर्ड्स के नेम है, इसमें और एक हमें नाउन ऐड करना है, तो क्रो, ये भी एक बर्ड का नाम है, ईगल, पैराकिट, स्पैरो एंड क्रो, यानी इस ग्रुप में और एक बर्ड का नाम ऐड हो गया. देन चेयर, बेड, सोफा, टेबल, ये क्या है? फर्नीचर. तो चेयर, बेड, सोफा, इस तरह का जो ग्रुप है इसमें एक और नाम ऐड कर दिया, नाउन ऐड कर दिया, टेबल. देन आंट, कजिन, नीस एंड अंकल, ये पर्सन है, इसमें हमने अंकल को ऐड कर दिया. देन फोर्थ वन, हाउस, जू, हॉस्पिटल, ये प्लेसेस के नेम है, प्लेसेस के नेम है, इसमें और एक नेम ऐड करना है, जो पार्क, हाउस, जू, हॉस्पिटल एंड पार्क. देन सनफ्लावर, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ये है फ्लावर्स के नेम, इसमें और एक नेम नाउन ऐड करना है, तो हमने रोज ऐड कर दिया है, सनफ्लावर, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड रोज. क्वेश्चन आई, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज ईच वर्ड गिवन इन द बॉक्स ट्वाइस, यहाँ पर बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं हमें हर एक वर्ड को टू टाइम यूज करना है. फर्स्ट वन, द एरोप्लेन हैज टेकन ऑफ फ्रॉम द, एरोप्लेन कहाँ से टेक ऑफ होता है? फ्रॉम द एयरपोर्ट. देन सेकेंड वन इज द बंगाल डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, द बंगाल टाइगर, द बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. थर्ड वन इज द डैश इन द ब्लू ड्रेस इज माई आंट, द लेडी, द लेडी इन द ब्लू ड्रेस इन माई इज माई आंट. फोर्थ वन इज माई फ्रेंड बाउट चॉकलेट डैश फॉर मी, माई फ्रेंड बाउट चॉकलेट आइसक्रीम फॉर मी. देन फिफ्थ वन इज द न्यू डैश इज वेरी बिग, द न्यू एयरपोर्ट इज वेरी बिग, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो फोर वर्ड्स थे वो होंगे टू टू टाइम यूज करना है, तो द न्यू एयरपोर्ट इज वेरी बिग. सिक्स्थ वन, माया हेल्प द ओल्ड डैश टू क्रॉस द रोड, माया हेल्प द ओल्ड लेडी टू क्रॉस द रोड. सेवन, दिस डैश इज डिलीशियस, दिस आइसक्रीम इज डिलीशियस. एंड एट, अ डैश हैज ब्लैक स्ट्रिप्स, अ टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हमने किए ये सारे क्या है? नाउन है. क्वेश्चन जे, रीड द क्लूज एंड सॉल्व दिस रिडल्स, रीड द क्लूज एंड सॉल्व दिस रिडल्स, यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी हैं हमें जो बुझानी है. फर्स्ट वन है, पिक्चर्स और पेंटिंग्स बिग एंड स्मॉल आर हंग ऑन मी बिकॉज आई एम अ, यानी क्या है, बड़े या छोटे जो पिक्चर्स या पेंटिंग होते हैं वो मुझ पर टंगे जाते हैं, बिकॉज आई एम अ वॉल,
बड़े छोटे जो पेंटिंग्स हैं वो टांगे जाते हैं, तो आई एम अ बॉय. सेकेंड वन इज आई एम समथिंग दैट हैज अ फेस बट आई डोंट एवर वेयर अ कैप. आई एम समथिंग दैट टेल्स द टाइम although I do not have a strap. I am a dash. I am something that has a face. मुझे face है, मैं time बताता हूँ, मुझे face है लेकिन मैं cap wear नहीं करता हूँ. मैं time बताता हूँ लेकिन मुझे क्या नहीं है, strap नहीं है, पट्टा नहीं है. ये क्या है, I am a clock. यानी कि wrist watch को जिस तरह से belt होता है इस तरह से इसे belt नहीं है. ये क्या है, टाइम तो बताता है, इसे फेस है लेकिन क्या वेयर नहीं करता है, ये क्या है, क्लॉक. देन थर्ड वन इज आई कम इन मेनी कलर्स एंड आई एम सीन ऑन योर बर्थडे. यू हैड बेटर होल्ड मी टाइटली और एल्स आई विल फ्लोट अवे. मैं बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता हूँ, आपके बर्थडे पर आपको दिखाई देता हूँ, और आप मुझे टाइटली होल्ड करके रखे या फिर मैं उड़ जाता हूँ. क्या है ये, आई एम अ बलून. आई एम अ बलून. ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल सी इन अवर नेक्स्ट पार्ट. मीनवाइल यू हैव टू राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक एंड रिवाइज इट. थैंक यू.